हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं उन बच्चों के लिए जो कि 2022 में एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो उनके लिए एक वीडियो काफ़ी खास होने वाला है, क्योंकि हम इस वीडियो में बात करेंगे 25 जुलाई को LLB का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले बच्चों के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम पैटर्न कैसे होगा और क्या उसमें नेगेटिव मार्किंग होगा या नहीं होगा, इसके बारे में बात करेंगे और जानेंगे कितने घंटे का। तो बेसिक डिटेल्स हम इसके बारे में जानने वाले हैं, वह डिटेल्स जो कि यूनिवर्सिटी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर हमारे साथ साझा किया है, जो उन्होंने शेयर किया है उसके बारे में जानेंगे LLB एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के बेसिक्स के बारे में। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि आपकी जो एग्ज़ाम होने वाली है वो 25 जुलाई को होने वाली है, ठीक है। और इस बार जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 में होगा उसके लिए सामान्य इंस्ट्रक्शंस, जनरल इंस्ट्रक्शंस, सामान्य सूचना विश्वविद्यालय ने अपने वेबसाइट पर जारी कर दिया। एंट्रेंस टेस्ट 2022 के बारे में बात की जा रही है। तो पहली बात तो ये कि एंट्रेंस एग्ज़ाम विल बी बेस्ड ऑन MCQ, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, इसमें ऑप्शनल क्वेश्चन रहेंगे। दूसरा, द ड्यूरेशन ऑफ एंट्रेंस टेस्ट विल बी 180 मिनट्स फॉर ईच प्रोग्राम, हर एक कोर्स के लिए 180 मिनट, अर्थात आपके 3 घंटे का पेपर होगा, ओके। अगली सूचना है दोस्तों, हर एक प्रश्न 1 नंबर का होगा। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन इज देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, एंड दैट्स रियली गुड न्यूज़ फॉर ऑल द स्टूडेंट्स दोज़ हु आर बीइंग अपीयर इन एंट्रेंस टेस्ट 2022। सो द नेक्स्ट वन इज द नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड द सिलेबस फॉर द एंट्रेंस एग्जाम ऑफ अबव प्रोग्राम आर मेंशन इन द टेबल गिवन बिलो। सिलेबस क्या होगा वह नीचे दिया गया है यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे। तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं किसकी, LLB की। तो LLB में आइए देखते हैं कि आपका एंट्रेंस एग्जाम प्रवेश परीक्षा का सिलेबस क्या है। दोस्तों यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर शेयर किए गए नोटिफिकेशंस के अनुसार आपका LLB 3 साल का जो एंट्रेंस एग्जाम होगा उसमें टोटल नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस 100 होंगे। 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। यह 100 प्रश्न कौन कौन से टॉपिक से और किस से रिलेटेड होगा इसके बारे में यूनिवर्सिटी ने यह बताया है कि यह 100 क्वेश्चन आपके इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज कॉम्प्रहेंसन और आपका एनालिटिकल एबिलिटीज़, लीगल अवेयरनेस एंड एप्टीट्यूड, इंडियन पॉलिटी और जनरल नॉलेज। कहने का मतलब आपकी अंग्रेजी भाषा से, हिंदी भाषा से, कॉम्प्रहेंसन से उसके कुछ पैराग्राफ आते हैं उससे पूछे जाएंगे। एनालिटिकल एबिलिटीज़ तार्किक क्षमता से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। और लीगल अवेयरनेस, आपको कितना लीगल अवेयरनेस और एप्टीट्यूड है, कितने कानून के बारे में और लॉ के बारे में आप जानते हैं, और भारतीय राजनीति के बारे में और सामान्य ज्ञान के बारे में। तो दोस्तों इन बिंदुओं से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इन 7 टॉपिक से आपके 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। यूनिवर्सिटी ने यह डिक्लेयर नहीं किया गया है कि किसमें से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन हाँ मोस्टली आपके प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे, लीगल अवेयरनेस एंड एप्टीट्यूड, क्योंकि आप LLB एक लॉ का एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं। सामान्य प्रश्न इंग्लिश और हिंदी से पूछे जाएंगे, लेकिन मोस्टली प्रश्न इससे पूछे जाएंगे जहां तक मेरी संभावना है। लेकिन यूनिवर्सिटी ने यह जारी नहीं किया कि किससे किसने प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन हाँ फिलहाल सारे यही पॉइंट्स हैं। एक बार फिर से पॉइंट देख लेते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन, एनालिटिक एबिलिटीज, लीगल अवेयरनेस, इंडियन पॉलिटी और जनरल नॉलेज, ठीक है। अब देखिए जनरल नॉलेज की तो कोई सीमा नहीं है और भारतीय राजनीति कोई सीमा नहीं है। इंग्लिश और इंग्लिश में जैसे कि आप सिनोनिम्स, एडियम फ्रेजेस और फिल इन द ब्लैंक्स, ये सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हिंदी में रस, छंद, अलाकार, संधि, समास, ये थोड़े बहुत प्रश्न, मुहावरे, लोकतियाँ, कॉम्प्रहेंशन तो पैराग्राफ दिया रहेगा। एनालिटिकल एबिलिटीज जैसे कि मे बी कैलेंडर और भी तार्किक जो भी प्रश्न होते हैं वो आपसे पूछा जाए, तो ये संबंधित हो गया। और लीगल अवेयरनेस तो आपके बिल्कुल लॉ से संबंधित होगा कि कौन से लॉ में, किस लॉ में किस चीज़ की व्याख्या की गई है, कौन सा लॉ क्या होता है, तो ये सारे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। बहरहाल अगर आप LLB के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो यू मस्ट बी वेरी इंटरेस्टेड इन LLB लॉ, सो यू विल बी फेमिलियर ऑल दिस पॉइंट्स, सो मुझे लगता है आप इजीली कर पाएंगे। दोस्तों ये था ओवरऑल आपका सिलेबस एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के लिए। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपके लिए थोड़ी सहायक होगी आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए। दोस्तों इस पॉइंट से आप इंग्लिश एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करिए। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आपके लिए रियली दुआ करता हूं कि आपके बहुत अच्छे नंबर आए और आपका एडमिशन कैंपस में सफलतापूर्वक हो जाए। फिलहाल इस वीडियो को यहीं हम ख़त्म करेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए, चैनल से जुड़िए और अपने और दोस्तों तक शेयर करिए। एक अच्छी टीम बनाएंगे और पढ़ेंगे। और हाँ,
मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें कि यह वीडियो आपको कैसे लगी, यह जानकारी आपकी कैसे लगी। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके प्रवेश परीक्षा के लिए। जय हिंद, जय भारत।